हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। आज हम बनाएंगे शिव जी का प्रिय भोग ठंडाई। बहुत ही आसान तरीका से लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट। बस बहुत लोग इसमें भांग डालते हैं, हम भांग के बिना बनाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो भांग भी मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इन सभी सीड्स को सोक करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ये 10 से 12 काजू, 10 से 12 ही बादाम, आमंड, ये 15-20 किशमिश, ये 6 से 8 आप हरी इलायची ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी खसखस, 1 टेबलस्पून ही मेलन सीड्स, 1 टीस्पून सौंफ, 15-20 काली मिर्च। ये आपको तीखापन इसका ज़्यादा पसंद ना हो तो आप इसको कम कर सकते हैं, और सौंफ ज़्यादा पसंद है तो सौंफ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ में ये कुछ धागे केसर के, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी ये बहुत अच्छा बनेगा। इसको हमें सोक करना है, आप कम से कम 4 से 5 घंटे ज़रूर सोक करें, और नहीं तो फिर ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। तो चलिए इसको भिगा कर हम छोड़ देते हैं। ये देखिए इस टाइम पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से भीग गए हैं, सारा कुछ फूल गया है। तब इसको अब हम पीस लेंगे, इसी पानी के साथ ही पीस लेना है और एकदम फाइन पीसना है। ये देखिए इसको हमने मिक्सर जार में डाल लिया है, चलिए अब पीस लेते हैं। ये लीजिए बिल्कुल थिक पेस्ट हमने इसका पीस लिया है। आपको अगर ज़्यादा गाढ़ा लगे ना, मतलब पीसने में दिक्कत हो, तो थोड़ा सा दूध डालकर पीस सकते हैं, लेकिन मेरा उसी पानी में ये अच्छी तरह से पीस गया है। चलिए अब बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 ग्लास दूध गर्म करने के लिए रखा है। इतने से पेस्ट से आपका 6 ग्लास बहुत आराम से बन जाएगा, लेकिन अभी हम 2 ही ग्लास बनाएंगे। तो बॉईल आने देते हैं इसमें, और इसमें हम मिठास के लिए यूज करेंगे ये मिश्री, धागे वाली मिश्री है, आप देख सकते हैं। ये इसको कूट कर इसमें डालेंगे, बस 2 टेबलस्पून ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। आप मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। ये देखिए दूध में बॉईल आ गया है। दूध में बॉईल आ गया है तो हम डालेंगे ये पेस्ट, 3 से 4 चम्मच। ये देखिए ना काफी है, और इसको अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे 2-3 मिनट तक। इसको इसके साथ ही उबाल लेंगे और लगातार चलाते रहें, तो ये चूँकि इसमें काजू वगैरह का पेस्ट है ना, तो वो बहुत जल्दी चिपकेगा, इस बात का आप ख्याल रखें और अच्छी तरह से मिला लें। और यहीं पे हम डाल देंगे ये मिश्री जो हमने कूट लिया है। इसको मिलाना ज़रूरी है क्योंकि वो ना सारे मतलब जमा हुआ सा हो जाता है, तो इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ना, इस तरह से थक्का थक्का जमा हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप मिला लें। तो 2-3 मिनट तक हम इसको पकने देते हैं। इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, अब हम लास्ट में डालेंगे ये वाइट रोज एसेंस। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, तो ये एसेंस है तो हम कुछ ड्रॉप ही डालेंगे, 3 से 4 ड्रॉप बस। इससे बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आ जाता है। बस ये पक गया है, अब इसको हम छान लेंगे और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बस ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बंद कर देते हैं गैस को।
तो चलिए छान लेते हैं इसको हम। कोशिश करें कि इसको मोटी छन्नी से छाने। मुझे तो ये छानना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो यूं ही पीती हूँ, लेकिन आपके लिए बता रही हूँ, आप छानना चाहें तो छान सकते हैं, वरना यूं ही पीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये अच्छी तरह से छन गया है, बस थोड़ा सा जो बादाम और इलायची वगैरह का छिलका होगा ना वही रह गया है, बस इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में हम रख देंगे। ये लीजिए ठंडा, ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था, हमने ग्लास में सर्व कर लिया है, और बस ऊपर से आप डाल दीजिए कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। आपके पास सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, साथ ही में कुछ पिस्ते, पिस्ता की कतरन है, और साथ ही कुछ काजू बादाम की कतरन। ये लीजिए बिल्कुल मस्त सा एकदम ठंडा ठंडा हमारा ठंडाई बिल्कुल रेडी है, इंजॉय कीजिए आप इस शिवरात्रि में। ये लीजिए बिल्कुल रेडी है हमारा ये बहुत ही मज़ेदार ठंडाई, जो एकदम मस्त वाला बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मेरे चैनल पे ठंडाई पाउडर का भी रेसिपी डला हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, आप उसको एक बार बना कर रख लें और जब बनाना हो बस दूध में डालिए, बॉईल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और इसको हमने आज बिल्कुल फ्रेश बनाया है, बहुत ही मज़े का है, आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी शिवरात्रि।